हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अब उपाध्यक्ष का पद भी होगा, इसके बारे में बात करते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग में उपाध्यक्ष का पद भी होगा। चलिए, अब मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उपाध्यक्ष का नया पद सृजित किया गया है। साथ ही आयोग में महिला सदस्य को रखने की अनिवार्यता भी होगी। आयोग 5 सदस्यीय होगा। इस निर्णय का गजट में नोटिफिकेशन भी हो गया है। पूर्व में यह व्यवस्था नहीं थी। तो MPPSC में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखिए, करंट अफेयर के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रथम आयोग में अवश्य श्रीमती मेहरू त्रिहास परवे सदस्य रही थी, लेकिन इसके बाद 5 बार आयोग का गठन हुआ, लेकिन किसी में भी महिला सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया। तो इस बार महिला सदस्य को शामिल किया गया है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अलावा अन्य आयोगों में उपाध्यक्ष का पद नहीं है। हालांकि महिलाओं को सदस्य के रूप में चुनिंदा आयोग में नियुक्ति मिली है, लेकिन अनिवार्यता शब्दों का प्रयोग पहली बार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में हुआ है। गौरतलब है कि फिलहाल पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष समेत सदस्य के पद खाली हैं। ऐसी स्थिति करीब 1 दर्जन आयोग में भी है। दूसरी ओर सरकार के इस फैसले के राजनीतिक अर्थ भी निकाले जा रहे हैं। संगठन से किसी महिला की एडजस्ट करने के लिए ऐसा फैसला होना बताया गया है, जबकि सरकारी अफसर इससे इनकार करते हैं। केंद्र का अनुसरण किया गया है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में उपाध्यक्ष पद का गठन केंद्र के कारण हुआ है, वह भी आयोग में उपाध्यक्ष बनाया गया है। आयोग में महिला सदस्य को रखना जरूरी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरह की ये जानकारी